इस लेक्चर में आज कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करें उस कंसेप्ट के बाद रिव्यू कर लेते हैं। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम का स्लोप कांस्टेंट होगा और इसका मतलब दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन स्लोप यहाँ पर एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा। If acceleration positive, slope is positive. Acceleration negative, slope is also negative. अगर हमने एक बार velocity versus time plot कर लिया, चाहे वो constant acceleration के लिए हो चाहे किसी के लिए भी हो, speed versus time हम वहीं से plot कर सकते हैं। Velocity का जो positive part होगा graph का उसे हम as it is छोड़ सकते हैं, और जो velocity के graph का negative part है जहाँ velocity negative है उसका हम reflection ले लेंगे time axis में, जैसे कि वो वेलोसिटी पॉजिटिव होकर के स्पीड बन जाएगी। तो इसके लिए वी कैन राइट लीव द पॉजिटिव पार्ट ऑफ वीटी ग्राफ एज इट इज, ठीक है, जैसा वीटी ग्राफ में पॉजिटिव पार्ट है एज इट इज छोड़ देंगे, और वेलोसिटी जब नेगेटिव हो जाती है तो स्पीड वहां पॉजिटिव होनी चाहिए। तो उसके लिए एक रिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव पार्ट ऑफ वीटी ग्राफ विद टाइम एक्सिस एज मिरर। तो टाइम एक्सिस को एज ए मिरर मानते हुए उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे जो भी नेगेटिव पार्ट है, स्पीड वर्सेस टाइम, क्योंकि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो हमने जो इक्वेशन देखी हुई है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में उसमें ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आता है, इसका मतलब है कि t स्क्वायर होने की वजह से दिस विल बी अ पैराबोलिक ग्राफ, बिकॉज इक्वेशन इज समथिंग लाइक दिस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और मैथमेटिक्स से हमें पता होना चाहिए कि t स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा दैट मीन्स अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ तो इट विल बी एन अपवर्ड पैराबोला ग्राफ, अगर t स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो दैट विल डाउनवर्ड पैराबोला। So if A is positive, it is upward parabola. If A is negative, it is downward parabola. So this is position versus time. Distance traveled versus time. So distance traveled versus time, जो graph है वो ही parabolic होगा, और distance किस rate से increase decrease हो रही हो वो directly speed से पता चल जाता है। अगर speed बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब उतने ही time में वो अब ज़्यादा distance travel कर रहा होगा, तो हम directly यहाँ पे ले सकते हैं कि parabolic होगा ये। जिस तरीके से पोजिशन वर्सेस टाइम की कॉन्केविटी एक्सेलेशन से डिसाइड हो जाती है, एक्सेलेशन पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो अपवर्ड पैराबोला, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है डाउनवर्ड पैराबोला। उसी तरीके से हमें डिस्टेंस स्पीड ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए स्पीड को देखते हुए डिसाइड कर सकता हूँ कि अपवर्ड पैराबोला होगा या फिर डाउनवर्ड पैराबोला होगा। इफ स्पीड इंक्रीजेस विद टाइम देन इट इज अपवर्ड पैराबोला, इफ स्पीड डिक्रीजेस विद टाइम दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला। और इसके साथ साथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम के लिए हमें कुछ चीजें और याद रखनी चाहिए, इट कैनॉट बी नेगेटिव, कभी भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, इट कैनॉट बी नेगेटिव। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड समय के साथ साथ हमेशा बढ़ेगी, कभी डिस्टेंस ट्रेवल्ड कम नहीं हो सकता है, पोजिशन कम ज्यादा हो सकता है, पार्टिकल अगर आगे जा रहा होगा पोजिशन इंक्रीज करेगा, पार्टिकल पीछे आ रहा होगा पोजिशन डिक्रीज करेगा, लेकिन डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं हो सकता है। जितना भी मैं चलता जा रहा हूँ वो मेरे डिस्टेंस ट्रेवल्ड में हमेशा वो एड ऑन हो रहा है, वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैनॉट डिक्रीज विद टाइम एंड इट कैनॉट बी नेगेटिव, तो इट कैनॉट डिक्रीज विद टाइम। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे ग्राफ प्लॉट करने में।